टीचर समझ में आना चाहिए कि मुझे इसकी बात समझ में आ रही है, मुझे पढ़ाने की बात समझ में आ रही है, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, वो मेरा ऑप्शन नहीं। आपके ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको सॉल्व करेंगे, हम इसीलिए तो बैठे। आप जो भी करिए, भाषा पे अपनी पकड़ रखिए, भाषा पे अपनी पकड़, भाषा की पकड़ जरूरी है। आप नहीं पढ़ते हो इसलिए आप कभी भी कुछ वो जो रटी रटाई चीजें हैं वही आप लिखते हो, तो आपको अपना दिमाग डेवलप करना होगा, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। फिर सांस लेता है, फिर थोड़ी सी, फिर कोई बकअप करता है, चल आगे बढ़, तो फिर वो थोड़ी देर दौड़ता है, फिर वो तो पैराग्राफ में आपने ही किया। लेकिन अगर आप लिख सकते हो वंडरफुल, तैयारी करके तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है। पैराग्राफ उनके लिए, जैसे हमने पहला आंसर राइटिंग जब चेक किया तो हमें समझ में आ गया हालात ठीक नहीं है, ठीक है, तो अगर तुम तैयारी करके आओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जमा करो, क्यों रखे हुए हो, हाँ, तो कौन सा लिखा तुमने, कोई बात नहीं, हम उसी को चेक कर लेंगे, रखे रहो उसको, ठीक है, हो गया। चलिए, बुक्स मिल गई, अब धीरे धीरे शुरू हो रही कहानी। गुरुकुल जो बैच है उसकी सबसे खास बात क्या है, टीचिंग तो हर जगह हो रही है, वो हम भी करते रहेंगे, इस बैच की सबसे खास बात है मेंटर्स। और मेंटर किसे कहते हैं, मेंटर किसे कहते हैं, मार्गदर्शक किसे कहते हैं, अरे उसको इवैल्यूएशन कहते हैं, मार्गदर्शक जो तुम्हें रास्ता दिखा सके ये तुम्हारा सही रास्ता है, जो तुम्हें बकअप कर सके, तुम्हारे वो टीचर से ज़्यादा जो है वो कोच की तरह काम करता है, कोच तुम्हारी कमियों पर काम करता है, ठीक है, कोच तुम्हारी एबिलिटीज के साथ साथ तुम्हारी कमियों पर काम, तुम्हारे लिए स्ट्रैटजी बनाता है, तुम्हारे लिए नियम बनाता है, वही कोच होता है, उसी को मेंटर कहते हैं, ठीक है, जिस पे तुम बहुत रिलाई करते हो, जिसको तुम अपना सब कुछ मानते हो और उसकी बात को पूरा करना चाहते हो, दैट इज मेंटर। तो आप लोग जो भी जिसकी इसकी इंग्लिश वीक है बता दो, छुपाओ कुछ नहीं, ठीक है, डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते हैं, तो बता दो जिसको जो भी प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग नहीं आती है, हम कल यही बात कर रहे थे कि हमें सिखाना है आपको, हम ये टेस्ट, आप मुझे पता था बीमारी नहीं बताओगे, ये हमें पता था, इसीलिए हमने कहा बीमारी को क्या होता है, जैसे आप बताते नहीं साहब डॉक्टर साहब पेट में हियाँ दर्द हो, तो डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा एक काम करो जाओ जरा तुम अल्ट्रासाउंड करा लो, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा हियाँ दर्द हो रहा है हुआ दर्द हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आ जाती है, तो हम तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं अभी, तुम्हारा सीटी स्कैन करा रहे हैं, निबंध कैसे ऐसे कैसे लिखते हो, क्या चीज़ें हैं प्रॉब्लम, इंग्लिश में किसको किसको प्रॉब्लम है, आई तेरी रवि बजाज सर की बड़ी रिक्वायरमेंट है, आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इज नॉट द प्रॉब्लम। और तुम लोगों को इंग्लिश की प्रॉब्लम लग रही है तो जो इंटरव्यू जाने वाला है उसको देख लेना, शुद्ध हिंदी माध्यम से, राजस्थान से, और उसने कैसे यूपीएससी क्रैक किया और उसने क्या बात बोली, मैसेज बड़ा क्लियर बोला कि ये जो हिंदी हिंदी इंग्लिश इंग्लिश करते रहते वो नहीं करना है तुम्हें, उसने भी किया और अटेम्प्ट खराब किए अपने, बाद में जब समझ आई तब सही कर लिया, ठीक है, तो रवि बजाज सर को बुला देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और किसी को कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है, क्या लेना है, देखो हिंदी साहित्य पढ़ने में बड़ा मजा आता है, गद्य, ठीक है, कभी पद्य पढ़ के देखो तब समझ में आएगा। सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर upsc.gov.in की वेबसाइट पर चले जाओ, जो दो या तीन तुमने फाइनल किए, सबको मत फाइनल कर लेना, दो या तीन फाइनल किए उसके क्वेश्चन लगा के देखो कि किसके क्वेश्चन की लैंग्वेज आसानी से समझ में आ रही, जैसे अभी सुमित सर आए थे अपनी बात कहने के लिए, ऐसे ही अंकुर सर को बुला देता हूँ, उनसे बात करो, मैम से बात करो, ठीक है, तो आप सबसे बात करके देखो कि कौन सा मेरा ऑप्शनल हो सकता है, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ, द बेस्ट इज नॉट अबाउट द कि बुक्स कौन सी पढ़ रहे हो, आप उसके क्वेश्चन लगा के देखो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे समझ में आसानी से आ रहा है, फिर रिजल्ट्स देखो, बुक्स देखो, टीचर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है टीचर कौन मेरी समझ में आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, अगर टीचर समझ में आ गया ऑप्शनल का तो सब अच्छा है। इस बार देखो मतलब SRCC की पढ़ी हुई लड़की PSIR ऑप्शन ले रही है, इंजीनियर ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट ले रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि उसने बचपन से पढ़ा होगा, बट एक अच्छा गुरु मिल गया, टीचर समझ में आना चाहिए कि मुझे इसकी बात समझ में आ रही है, मुझे पढ़ाने की बात समझ में आ रही है, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, वो मेरा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन ना इसमें अच्छा है ना बुरा है, सारे ऑप्शन अच्छे हैं, ठीक है, कोई कॉमर्स से कर रहा है, कोई PSIR से कर रहा है, कोई हिस्ट्री से कर रहा है, जिससे भी कर रहा है,
लेकिन अगले 8-10 दिन में फाइनल कर लेना, जिसको भी 2024 देना है ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शनल में आप लेट हो चुके हो, ऑप्शनल को डबल टाइम चाहिए होता है, ये ध्यान रखना। एक बार में कभी भी ऑप्शनल आपके हाथ में नहीं आएगा, तो दो बार पढ़ने के लिए टाइम निकाल के रखना। कैसे करना, ठीक है? तो ये 8-10 दिन के अंदर जिसको भी 2024 में देना है, 25 में देना है, 24 वाले नुकसान में हैं क्योंकि टाइम उनका निकल रहा है, 25 वाले अभी भी अगर कर ले जाएंगे तो फायदे में, 26 वाले एक साल सांस ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से तैयारी कर लो, ठीक है? तो मेंटर से अपनी सारी बात आप कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। करिए आप जो भी करिए, भाषा पे अपनी पकड़ रखिए, भाषा पे अपनी पकड़, भाषा की पकड़ जरूरी है। और भाषा की पकड़ का जो मतलब होता है, जैसे मान लीजिए लिखना है कुमारी, अब का पर बड़ा ओ की मात्रा है, छोटी ओ की मात्रा, अब तुम हिंदी से पेपर दे रहे हो, एग्जामिनर के साथ तुम इतना अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि छोटी की मात्रा है बड़ी की मात्रा, कौन सा शाह लगेगा ये नहीं पता, बड़ी गड़बड़ आ रही। इंग्लिश यूज कर रहे हो तो कम से कम प्रॉपर तो करो, उसको सिग्नेचर करके मत दो यार कि मेरा ऑटोग्राफ रखो तुम, हम आईएएस हैं। तो जो भी हो उसको भाषा को सही तरीके से प्रयोग करो। और भाषा कैसे सेलेक्ट होती है, ये बोलने पे नहीं होती है, पढ़ने पे नहीं होती है, लिखने पे होती है, ठीक है? उस पे आपको अपनी ग्रामर को, जिस पे भी आप लिख रहे हो उस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। पढ़ो जितनी भी है, जितने भी है। जैसे इस बार इंजीनियर्स बहुत सेलेक्ट हुए, कभी सोचा क्यों सेलेक्ट हुए? बड़े ज्ञानी है, एक्चुअली इनका जब तुम देखोगे ना ओरिएंटेशन, तो ये दो दो लैंग्वेज पे कमांड करके रखते हैं। बड़ी मजबूरी है कि वहाँ इंग्लिश में सारे पेपर देने हैं, मजबूरी में उन्हें पढ़ना है, बात उन्हें जैसे करनी है वो अपना करते रहते हैं। तो इनका क्या होता है, लैंग्वेज एक से ज़्यादा लैंग्वेज में उनकी पकड़ हो जाती है, तो इनको जो जहाँ से मिलता है ना, इनका वो फोकस ही खत्म हो जाता है। इंजीनियर के साथ सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज का, उसका फोकस ही खत्म हो जाता है। बेचारा फर्स्ट ईयर में आता है, उसने श्रोडिंगर की स्पेलिंग लिखवाई, क्वेश्चन होती बड़ी लंबी चौड़ी, वो श्रोडिंगर की स्पेलिंग याद करता है महीनों तक, और उसके बाद भी परेशान रहता है कि श्रोडिंगर की स्पेलिंग होती क्या है, अचानक से सब कुछ उसको इंग्लिश में पढ़ना है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाती है, 4 साल वो दोनों लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। तो उसका एक जो डायलमा है कि ये मेरी लैंग्वेज हिंदी है, मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, या पंजाबी है, बंगाली है, उसका डायलमा 4 साल में ख़त्म हो जाता है। उसको ये समझ में आता है, दूसरी बात समझ में आती है, भाई अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, मतलब यही डू और डाई है। तो उसको खाता, उसको समझ में आता है मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जॉब की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अभी उतनी है नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें अपना सब कुछ झोंक देना। तो जब आप सब कुछ झोंक देते हो तो अच्छा होता है। तो इस क्लास में भी उस लैंग्वेज के बैरियर को ख़त्म कर दो। जैसे इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वालों को थोड़ा, अरे मुझे बहुत इंग्लिश आती है मुझे, लेकिन कभी तुमने प्रेमचंद नहीं पढ़ा, हिंदी नहीं पढ़ी, तुमने फणीश्वरनाथ रेणु नहीं पढ़ा, तो तुम कभी भी अपनी ग्रामीण समाज को समझ ही नहीं पाओगे। तो इंग्लिश प्रशासनिक भाषा हो सकती है, भारत की भाषा नहीं है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस पे कमांड, साहित्य पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो विचार नहीं आएंगे, थॉट नहीं आएंगे, एग्जांपल्स नहीं जनरेट कर पाओगे। तो इसीलिए एक, जैसे तुम लोग एक किताब रिकमेंड कर रहा हूँ हिंदी की, बहुत इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने किताब लिखी है, और मैं यह किताब बहुत लोगों को गिफ्ट करता हूँ, मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। हिंदी की किताब है और इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, बहुत ज़बरदस्त जो है वो अवॉर्डेड बुक है। श्रीलाल शुक्ल की किताब है राग दरबारी, किसने किसने पढ़ी है राग दरबारी, राग दरबारी वन ऑफ माय फेवरेट बुक। ये ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट थे उत्तर प्रदेश कैडर के, उन्होंने किताब लिखी राग दरबारी, मतलब तुम हंसते हंसते तुम्हारा पेट दर्द हो जाएगा, ये ऐसी किताब है। मतलब जब भी तुम कभी परेशान हो, उदास हो, कुछ ना पढ़ने का मन कर, ये किताब उठा के पढ़ लो, हंसते हंसते तुम्हारा पेट दर्द हो जाएगा, लेकिन हंसते हंसते राग दरबारी, ठीक है, राग मतलब बोलो दरबारी, मतलब राग दरबारी एक वर्ड यूज किया जाता है दरबार में लगता है। इसमें गवर्नमेंट के ऊपर जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, और भारत की जो ग्रामीण परिवेश, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कैसे उसमें भ्रष्टाचार होता है, ये बताते बताते उन्होंने ऐसी कहानियां बुन दी है कि तुम्हें लगे मतलब तुम्हारे पेट में लिटरली दर्द होने लगेगा। लेकिन उसका मैसेज इतना क्लियर है कि तुम्हें बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो तुम शायद अपने बुक्स पढ़ के नहीं समझ पाते।
ऐसी किताब और है नरक यात्रा, ये बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, इनकी राइटिंग्स का। नरक यात्रा, इंडियन मेडिकल सिस्टम के बारे में जो ये किताब तुम्हें जानकारी दे देगी वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। नरक यात्रा डॉक्टर ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, जब भी मूड ऑफ हो, बोर हो रहे हो, उठा के पढ़ लो। ये बेसिकली कहानी शुरू होती है एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से। गरीब आदमी पहुंचा होता है सरकारी मेडिकल कॉलेज में अपने किसी रिश्तेदार का इलाज कराने के लिए, ठीक है, और कहानी शुरू होती है जहां मॉर्चरी से, जहां पोस्टमार्टम होता है, उसके बाहर का एक सीन है और बहुत रियलिस्टिक सीन है। कुत्ता है उसमें, एक हवलदार है, तो इसमें बहुत कुछ पिरोया गया है, जैसे कि गरीब आदमी कैसे अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ता है, इंडियन मेडिकल सिस्टम कैसे जो है वो काम करता है, कैसे सारी चीज़ें दाएं बाएं होती हैं, और पूरी कहानी एक साथ ऐसे चलती है कि हंसते हैं तो तुम्हारा पेट दर्द हो जाएगा, लेकिन मैसेज इतना सीरियस है इसका, और तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा भारतीय समाज के बारे में, ग्रामीण समाज के बारे में, कि लोगों की लाइफ कितनी स्ट्रगल के साथ चलती है, किस तरह से हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, किस तरह से चीज़ें, किस तरह से गरीबों के हित, गरीब खुद आपस में कैसे सोचते हैं, ये सब एक बड़ा, एक अलग डायमेंशन तुम्हें मिलेगा, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है बुक, ठीक है। तो ये ऐसी दोनों किताबें जिसमें वाकई में ये बहुत व्यंग है, दिस इज नोन एज सटायर। व्यंग एक बहुत बड़ी कला होती है बात कहने की, ठीक है, व्यंग के, सटायर के बारे में जानते होगे, तो ये बहुत एक बात कहने का तरीका होता है। आप कॉमेडी तो तुम्हें लग रही है लेकिन वो बात बड़ी गंभीर कह जाते हैं। ऐसी किताब है मन्नू भंडारी, मैंने आपको बोला था महाभोज, मन्नू भंडारी, पतली सी किताब है, मन्नू भंडारी महाभोज, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो करप्शन है ना, ये किताब सन्न कर देती है एकदम। ऐसी कहानी चलती है, एक रीडिंग में ख़त्म कर दोगे इसको, मज़ा आएगा। लेकिन ये तुम्हें ऐसा मैसेज छोड़कर जाएगी कि लास्ट में तुम बिल्कुल सन्न बैठे रहोगे कि ये क्या हुआ, और भ्रष्टाचार के बारे में मतलब तुम अजीब सा फील करने लगोगे कि इतना मतलब भ्रष्टाचार है। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ऐसे प्रेमचंद को ज़रूर पढ़ना अगर ग्रामीण भारत को समझना चाहते हो। किसने प्रेमचंद को पढ़ा कभी किसी ने? क्योंकि उसके आप एग्जाम्पल जब यूज़ करोगे तो वो बहुत ऐसे में बहुत मज़ा आता है उसमें, ठीक है। कई बार हम उसको कोट भी करते हैं, कई बार वो बहुत मतलब प्रेमचंद की लेखनी के बारे में आपको बता, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी वाले हों, सभी अगर हिंदी वाले हैं, अगर आप प्रेमचंद नहीं पढ़ा तो लानत है आप पे, सॉरी टू से, लेकिन लानत है आप पे। क्योंकि प्रेमचंद जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है उनके सामने कोई मूवी चल रही हो। कभी प्रेमचंद को आप पढ़ोगे तो मूवी चल रही हो ऐसा लग रहा है। ग्रामीण समाज की जितनी गहरी परख उनके अंदर है, मैंने आज तक किसी राइटर को नहीं देखा, सिर्फ एक और मुझे मिले, फणीश्वरनाथ रेडू, ठीक है, बस वही मुझे मिले। अदरवाइज मैंने प्रेमचंद से जितना जो है रूरल इंडिया के बारे में जितनी गहराई से जो समाज का ताना बाना, रीत रिवाज, परंपराएं, जो ऑर्थोडॉक्सनेस होती है, जो कुरीतियाँ हैं, मतलब प्रेमचंद से बड़ा मैंने अभी तक कोई राइटर नहीं देखा। आप बहुत सी हैं, सबके सब्जेक्ट अलग है, गोदान का सब्जेक्ट अलग है, नमक के दरोगा का सब्जेक्ट अलग है, गबन का बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ आपको बताता है, बहुत मैसेज देता है। तो खाली समय में आधा घंटा रात में सोने से पहले आप ये सब पढ़ते रहा करो। आपको लगेगा शायद ये सिलेबस के बाहर का, नहीं, कुछ भी सिलेबस के बाहर का नहीं। अगर ये सिलेबस के बाहर का तो ऐसे को पेपर को आप मान के चलो सिलेबस के बाहर का है, मान के चलो सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस का नहीं है वो, सर 250 नंबर। तो तुम्हें लाने के लिए अपना डायमेंशन, अपना होराइजन आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो अलग अलग सेगमेंट्स में हमें मिलती हैं, धीरे धीरे ये हम डेवलप करते हैं। सिर्फ मोटिवेशन नहीं पढ़ना, इनको भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे पंजाबी साहित्य में आप बैठे, आप अपने साहित्य के बारे में सबको बताओ, कभी ऐसे लेक्चर ले लो कि भाई कोई खास चीज़ तुमने पढ़ी है जो धार्मिक ना हो, समाज से जुड़ी हुई हो, आपको बहुत कुछ समझने को। एक दूसरे से बात किया करो, सिर्फ ये नहीं कि ये मेरा इंग्लिश लैंग्वेज है, मेरा हिंदी है, रिच करो। इंग्लिश में भी अगर है तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसने किसने पढ़ी है, सुषमन सिंह, किसने किसने पढ़ी है इंग्लिश वाले? अब हिस्ट्री का डायमेंशन 2000 तक लेकर आ गए हैं, तो मैं 1947 की एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना नहीं तुमने पढ़ी तो फिर मतलब नहीं। इसका मतलब तुम्हारा बस वो है कि सिलेबस रटो, पास हो जाओ किसी तरीके से, आपका लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, पढ़िए, पढ़नी चाहिए, पतली सी किताब है, बट वो तुम्हें 1947 में जो हुआ था
उसके बारे में बहुत कुछ बता सकती है जो शायद ये सिलेबस बुक्स नहीं बता सकती। ट्रेन टू पाकिस्तान, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज अबाउट सबकॉन्शियस मैनेजमेंट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, अवचेतन मन की शक्ति। यहाँ पे मेंटर्स के साथ, मेंटर्स इसीलिए आपके ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है हम उसको सॉल्व करेंगे, हम इसीलिए तो बैठे हैं, और किस लिए यहाँ पे? आपको बस बताना है कि ये मेरे ऑप्शन में ये प्रॉब्लम, हम सॉर्ट आउट करेंगे उसको, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना शुरू करो, ठीक है? ये और ये ज़रूरी है। और मैंने देखा है जिनके सिलेक्शन होते हैं वो एक विविड रीडर होते हैं, मतलब अच्छा पढ़ते हैं वो, जब पढ़ते हैं तो उनका दिमाग भी इनरिच होता है, थॉट्स आते हैं, वो कोट करते हैं आंसर को लिखते समय, तो उनका आंसर अलग हो जाता है, इसीलिए उनको मार्क्स मिलते हैं। आप नहीं पढ़ते हो इसलिए आप कभी भी कुछ वो जो रटी रटाई चीज़ें हैं वही आप लिखते हो, तो आपको अपना दिमाग डेवलप करना होगा, इसके लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है? इंडियन सोसाइटी के लिए आप क्या करोगे, कहाँ से जानकारियाँ लेकर? मैम जो कुछ पढ़ाएंगी बस उतना ही पढ़ोगे या कुछ उसमें ऐड ऑन करोगे, कैसे करोगे? ठीक है, पहला तो काम हम अपने आसपास को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। इसके बाद एक मैगजीन आती है कुरुक्षेत्र, गवर्नमेंट की मैगजीन है कुरुक्षेत्र, ऑनलाइन भी मिल जाएगी तुम्हें, कहीं ना कहीं ढूंढोगे आजकल सब कुछ मिल जाएगा। योजना भी रिकमेंडेड, लेकिन पहले कुरुक्षेत्र इसलिए क्योंकि वो ग्रामीण समाज को है। योजना विकास परक मैगजीन है, यानी वो दैट इज़ अ डेवलपमेंट बेस है। कुरुक्षेत्र स्पेशली फॉर जो है वो जो है ग्रामीण विकास के लिए आती है, तो उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे मातृत्व सुरक्षा, यानी कि जो है वो जो मैटरनिटी के ऊपर है उसके बेनिफिट्स को लेकर, ग्रामीण रोजगार को लेकर, ठीक है, जो भी हमारा ग्रामीण विकास को लेकर, ग्रामीण ऊर्जा को लेकर, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। ये क्या है, ये कंटेम्प्रोरी गवर्नमेंट जो स्पॉट कर रही है वो आपको पता चल जाएगा। अगला रिसोर्स है जो आपको पढ़ना ही भी पड़ेगा, दैट इज़ PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तुम क्या नहीं लिख रही हो, फ्रेंचाइजी दे रखी है, बैग क्यों बंद है? हाँ, तुम इसकी जगह ठेका लेके एग्जाम देने जा रही हो क्या इसका? ये स्कूल वाला छोड़ दो, स्कूल में बहुत किया ना, अरे तू लिख ले, खाने का टाइम हो रहा है, मैं अपनी एनर्जी बचाऊंगी, तो सारी किताबें भी इसको दिला दे, तुम क्या करोगी, यही पढ़ लेगी, दोबारा ये ना हो और आगे बैठ के तो ना हो गलती। अभी सुबह समझा के गया हूँ ना कि मसल्स मेमोरी चाहिए, कहाँ गई तुम्हारी मसल्स मेमोरी? नहीं तो ये नहीं होगा ना, मैं तुम्हारी कॉपियां फाड़ दूंगा अगर तुमने दिखा दिया तो, ये तुम समझना, ये आज के बाद ना हो कभी, ठीक? नहीं तो उठ के चले जाओ बाहर, भूख लगी जाके चना चबेना कुछ खरीद के खा लो, यहां मत बैठो। तो कौन सी मैगजीन लेनी है? PIB, इसके बाद पढ़नी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे जो भी मैम पढ़ा रही है उससे रिलेटेड जो भी कुछ आ रहा है उसको आप अपडेट कर लेंगे। अगला रिसोर्स कौन सा है? द हिंदू, या जो है वो दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में अगर राष्ट्रीय इशू लेते हो हिंदी वाले, तो संडे को एक आता है, संडे को स्पेशल स्टोरीज आती हैं जो सोसाइटी में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और द हिंदू में एक जो है वो सोशल वेलफेयर का एक सेगमेंट आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको केस स्टडी में मैम आपको बताएंगे वो आपको करना होगा, तो ये चीज़ें आपको अपडेट करके रखनी होगी, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो अभी सर ने बताया कि सिलेबस कम्प्लीट नहीं है, तो ये दिक्कत वाली बात हो गई है, तो आपको सिलेबस कम्प्लीट करके चलना है, डन है? तो पक्का, तो हम एक होमवर्क दे दे, दिखाओ सिलेबस। और अगर आज के बाद किसी ने ये किया कि वो मेरी रूममेट है ये लिख लेगी, तो मैं रूममेट की कॉपी सबसे पहले फाड़ दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं, तो रूममेट इन्हीं से लिखवाएगी, जब लिखो एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ,
साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, मैम ने इस पर क्या पढ़ाया, भारतीय समाज की विशेषताएं इस पर क्या पढ़ाया, मैम ने क्या पढ़ाया, पॉइंट्स बताए। ठीक, अब एक काम करो, तो छोटा सा इसका फ्लो चार्ट एक बनाओ, ठीक है, सबका एक फ्लो, अभी नहीं, घर पे घर का हम भी नहीं, ठीक है, सभी पे आप इससे क्या समझते हो, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के कितने डायमेंशन तुम समझ पाते हो, ये थिंकिंग है। मतलब मैम ने जितना बताया, मान लो मैम ने 5 पॉइंट बताए, आपको 8 पॉइंट लिखने, मतलब आप क्या सोचते हो भारतीय समाज में क्या क्या विशेषताएं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो तुम एक फ्लो चार्ट केंद्र में लिखो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और जैसे मैंने डेंड्राइट्स बताए थे उस तरह से उसमें सिराए निकाल के, और उस पर सोचो कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिटी को मैंने कितने रूप में देखा है, आपको इमेजिन करना है, शांत होकर बैठना है कि डाइवर्सिटी में मैंने, जैसे हमारी ये बच्ची हैं तो पंजाब से आती हैं, ठीक है, आप कहीं और से आते हो तो आपके कपड़े अलग हैं, आपके रीति रिवाज अलग हैं, आपका पहनावा अलग है, खान पान अलग होगा, ठीक है। भारत को डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, हमारा इतिहास हिस्ट्री में भी होता है। जैसे अगर कभी देखोगे तो सड़क के किनारे तुम्हें लोहार दिखता है, वो एक बैलगाड़ी जैसी होती है, राजस्थान में आपको बहुत दिख जाएगी, तो वो लोग हमेशा जो अपना लोहे का काम किया, बच्चे भी होते हैं उसी में किनारे, वो लगा के सो हो गए और वो हमेशा घूमते रहेंगे। अब तुम कहोगे कि यार भारत में इतना कुछ हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना फलाना, इनको क्यों नहीं मिला, तो अब जब उनकी हिस्ट्री पता करोगे तो उन्होंने महाराणा प्रताप से वादा किया था कि हमारे जितने भी जो वंशज हैं वो कभी अब घर बसा के नहीं रहेंगे, सो दे नेवर स्टार्ट देयर ओन सेटलमेंट, तो उनका बेस हिस्टोरिकल, ठीक है, उनका बेस हिस्टोरिकल है, तो अब क्या हो जाएगा वहाँ पे, फिर वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, तो इस वजह से वो एक जगह नहीं होते, तो वो भी क्या, दैट इज क्रिएट द डाइवर्सिटी। तो भारत में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप सोचना शुरू करोगे, तो सिलेबस को रीडिफाइन करो, लिखो होमवर्क, सिलेबस को रीडिफाइन करना है, किसका है, सिलेबस को रीडिफाइन करना है फ्लो चार्ट में, कितने नए पॉइंट तुम सोच के ला सकते हो, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है।